चुनावी जंग में बयानों के बयार हैं इन सब के बीच। जो काउंटर एफआईआर वाली लड़ाई है वो भी चल रही है। तेलंगाना में गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है। अमित शाह पर आरोप है कि अपनी चुनावी सभा में उन्होंने बच्चों का इस्तेमाल किया। एफआईआर में अमित शाह के अलावा और बीजेपी के नेताओं के नाम भी शामिल हैं। हैदराबाद से बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता के चुनाव प्रचार हो रहा था और इस रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। माधवी लता मंच से भाषण दे रही थी, इसी दौरान कुछ बच्चे बीजेपी का झंडा लेकर आए, मंच पर चढ़ गए। मामला बच्चों से जुड़ा था, लिहाजा कांग्रेस ने तुरंत मुद्दे को लपक लिया और आदर्श आचार संहिता का आरोप लगाकर चुनाव आयोग से शिकायत कर दी है। और आशीष हमारे साथ जुड़ गए। आशीष, जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया, केंद्रीय गृह मंत्री के मंच पर बच्चे पहुंचे, उन्होंने बीजेपी का झंडा लिया, इस पर जो एफआईआर हुई है, इस पर बीजेपी का कुछ रिएक्शन आ रहा है, बीजेपी का क्या कहना है? जाहिर तौर पे इस पर बीजेपी का रिएक्शन आया है। बीजेपी ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया है। बीजेपी के विधायक टी राजा सिंह है, गोशा महल कॉन्स्टिट्यूएंसी जहाँ पर ये रैली हो रही थी, जहाँ पर ये रोड शो आयोजित किया गया था, उनका भी नाम इस एफआईआर में है। उन्होंने इस पूरे जो एफआईआर है, जो आरोप लगाए गए हैं कांग्रेस पार्टी के द्वारा, या जो कंप्लेन दी गई थी कांग्रेस पार्टी के द्वारा, उस पर सवाल खड़े किए हैं और उन्होंने भरोसा जताया है कि हैदराबाद पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में हैदराबाद की जनता, हैदराबाद के वोटर उनके पक्ष में दान करेंगे। गौरतलब है कि माधवी लता जो हैदराबाद से बीजेपी की कैंडिडेट हैं, असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं, उनका भी नाम इस एफआईआर में है। गृहमंत्री का नाम एफआईआर में है। केंद्रीय मंत्री और सिकंदराबाद से उम्मीदवार और सांसद किशन रेड्डी का नाम इस एफआईआर में है। टी राजा सिंह का नाम इस एफआईआर में है। पूरा मामला मई एक का है। मई एक को रात में करीब 9:30 बजे अमित शाह पहुँचते हैं पुराने शहर के इस इलाके में, यहाँ उनका रोड शो प्लान होता है। हालांकि ये रोड शो करीब 2.5 घंटे से ज़्यादा डिले था, आधे घंटे के दौरान के टाइम लिमिट में ही, क्योंकि 10 बजने वाले थे, उस टाइम लिमिट में ही अमित शाह जी ने अपना रोड शो कंप्लीट किया, छोटा सा भाषण दिया। उस भाषण के दौरान मंच पर जब सारे नेता मौजूद थे, इन बच्चों को भी वहां पर देखा गया, मौजूद थे ये बच्चे और उनके हाथ में पार्टी का सिंबल था। अब कांग्रेस का कहना है कि इलेक्शन कमीशन का साफ दिशा निर्देश है कि आप किसी भी, बिल्कुल, यानी कि साफ जो दिशा निर्देश उसको लेकर कांग्रेस ने शिकायत की थी और इस पर मामला दर्ज हुआ भी है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए आशीष। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।